हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं प्लैनेट ब्लू। और आज हम बात करने वाले हैं ब्राउनी की फिर से प्रेगनेंसी के बारे में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्योंकि लास्ट टाइम मैं जो मेल लेकर आया था तो उससे मैंने ब्रीड करवाई और एक हफ्ते तक इनके साथ रखा हुआ था। ब्रूनो नहीं था उसके साथ, और दोनों फीमेल्स के साथ उसको रखा हुआ था एक हफ्ते तक। और ब्रीडिंग प्रोसेस एक हफ्ते तक चली है और फिर उसको मैंने मेल को हटा दिया है। तो मेल को गए हुए लगभग 4-5 दिन हो चुके हैं, यानी कि एक हफ्ता उसको भी हो गया। तो टोटल 10 दिन 12 दिन 15 दिन के बाद की ये जो प्रोसेस है, अभी भी एक हफ्ता हमें और रुकना पड़ेगा ताकि ये पता लग जाए कि ब्रीडिंग हो गई है कि नहीं हुई है। क्योंकि अभी भी अगर मैं ब्राउनी को जब उठा रहा हूँ तो आप जैसे कि स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं, ब्राउनी के पेट के अगल बगल से ऐसा ये मटके ऐसा शेप हल्का सा आ रहा है, जो कि प्रेगनेंसी के बिल्कुल स्टार्टिंग का स्टेज है, यानी कि जब आपकी फीमेल गिनी पिग वीक 1 पे होती है। लेकिन देखिए, कई बार क्या होता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो फीमेल गिनी पिग है वो प्रेग्नेंट होगी तभी ऐसा मटके ऐसा शेप आएगा। क्या पता आपने थोड़ी देर पहले उसको फीडिंग कराई हो और खाना भरा हुआ हो पेट में। लेकिन ऐसा चेक करने के लिए आप कब चेक कर सकते हैं, आप फीड कराने के कम से कम 3 से 4 घंटे बाद अगर चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी फीमेल प्रेग्नेंट है कि नहीं है, यानी कि आपकी गिनी पिग। और बाय चांस मान लीजिए आपने रात में फीड दे दी है, फिर उसके बाद अगर आप सुबह सुबह चेक करते हैं तो भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बिल्कुल साफ साफ पता लग जाएगा कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो अभी मैं आप लोगों को हल्का सा उठा के दिखाऊंगा, क्योंकि अगर ये वीक फर्स्ट पे है तो बहुत ही नाजुक टाइम होगा इसके लिए। क्योंकि अगर मैंने ज़रा सी भी छेड़खानी इधर उधर की तो बच्चे ख़राब हो सकते हैं और बच्चे अंदर मर सकते हैं। तो अभी मैं ब्राउनी को उसके चेहरे के पास से, यानी कि यहाँ से पकड़ के हल्का सा उठाऊँगा और आप लोग देखिएगा, ये देखिए हल्का सा, ये देखिए बिल्कुल हल्का राउंड शेप जो आया हुआ है, और देखिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे। खैर, अगर मैं ना भी उठाऊँ तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ये जो हल्का राउंड शेप आया है, ये एक निशानी लग रही है कि ब्राउनी प्रेग्नेंट है। और यहाँ से बिल्कुल ऐसा गॉगल के साथ भी है, तो अगर ये प्रेग्नेंट है तो ये कंफर्म हम बिल्कुल 1 वीक बाद एकदम करेक्ट करेंगे। यानी कि आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और इसके एक हफ्ते बाद की जो वीडियो आएगी उसमें कंफर्म हो जाएगा कि ब्राउनी प्रेग्नेंट है कि नहीं। और अगर ब्राउनी प्रेग्नेंट हुई तो वो उसका पहला हफ्ता होगा और फिर उसके बाद से वहाँ से सभी वीक्स स्टार्ट हो जाएंगे और फिर उसके बाद जो भी आपको डेली अपडेट मिलेगा वो मिलता रहेगा। और इस वक्त आप लोग जो देख रहे हैं वो ब्रीडिंग का कुछ नहीं है, इस वक्त ब्राउनी अपना इलाका बताने के लिए यूरिन स्प्रे कर रही है इन दोनों पे, ताकि ये लोग साइड रहें। और इस टाइम क्योंकि मैंने लाइट जला दी है तो ब्राउनी को काफ़ी अजीब महसूस होता है लाइट से, ये काफ़ी सुस्त होने लगती है और आँखें बार बार दबाती है, क्योंकि उतना ज़्यादा ब्राउनी घूमती भी नहीं है। बाहर अगर मैं घुमाने के लिए निकालता हूँ तो ब्राउनी छांव वाली एरिया में जाके बैठ जाती है। ऐसा नहीं है कि इसकी आँखों पे लाइट का गलत इफेक्ट पड़ता है या फिर इसको लाइट की उतनी प्रॉब्लम है, लेकिन इसको बस पसंद नहीं है इसलिए ये साइड हो जाती है। क्योंकि जब ये प्रेग्नेंट थी और बच्चे इसके पेट में थे तो ज़्यादातर ये लाइट में ही रहती थी, लेकिन नॉर्मली ये लाइट से बहुत हटके रहती है। अभी फ़िलहाल गॉगल को अगर हम चेक करते हैं तो मैं एक बार गॉगल को उठाने वाला हूँ और आप लोग देखिएगा। तो ये देखिए मैंने कैमरा यहाँ पर लगा दिया है और ब्राउनी ये देखिए हल्का सा मटका वाला शेप आप लोग देख रहे हैं किनारे किनारे, ये प्रेगनेंसी का ही सिंबल है। और ये तो खैर मेल है, इसको चेक नहीं कर सकते, ये प्रेगनेंसी का ही सिंबल है कि आपकी प्रेग्नेंट फीमेल गिनी पिग अब वीक फर्स्ट पे है। लेकिन फिर भी बिल्कुल कंफर्म करने के लिए, ताकि आप लोगों को बिल्कुल सटीक जानकारी मिले। और कुछ लोग ऐसे हैं इंस्टाग्राम पे जो बार बार फ़ोटोज़ भेजते हैं, देखिए अगर आपको फ़ोटो भेजनी है ये चेक करने के लिए कि या चेक करवाने के लिए कि आपकी जो गिनी पिग है वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने अभी गॉगल को पकड़ा था ऐसे पकड़ के फ़ोटो खिंचवाइए, और या तो बिल्कुल ऊपर से फ़ोटो खिंचवाइए ताकि मैं पेट का शेप देख के पता कर सकूँ। कई लोग क्या होते हैं जब उनको पता करवाना होता है तो जैसे यहाँ पर है उन्होंने ऐसे फ़ोटो खींच के भेज दी, पीछे से फ़ोटो खींच के भेज रहे हैं, ऐसा तिरछा फ़ोटो खींच के भेज रहे हैं, ऐसे बिल्कुल भी पता नहीं लगने वाला। आप सामने से खींच के भेजिए तो भी नहीं पता लगेगा, ऊपर से और या फिर उसको उठा के, ये दो ही तरीके हैं जिससे कि मैं या फिर कोई भी वेट चेक कर सकेगा कि आपकी जो गिनी पिग है वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है।
और दूसरी चीज़, अगर वो प्रेग्नेंट है, और जैसा कि अभी कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा एक ही भाई मेरे मैसेज कर रहे हैं, यानी कि एक व्यूअर हैं, तो वो बार बार मैसेज कर रहे हैं कि उनकी जो गिनी पिग है वो प्रेग्नेंट लग भी रही है, लेकिन उसके बाद वो मेल के पास क्यों जा रही है। देखिए, आपने अगर मेल फीमेल को साथ में छोड़ा है तो जाहिर सी बात है वो मिलेंगे, और अगर नहीं भी छोड़ा है तो साथ में घुमा रहे हैं तो वो मिलेंगे। और मेल जब हीट पे रहेगा तो बार बार ब्रीडिंग के लिए कोशिश करेगा, और फीमेल डिपेंड करता है कि वो ब्रीड करवाती है कि नहीं। जब तक अगर वो प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी के दौरान वो कभी भी ब्रीड नहीं कराएगी, बार बार मेल को अपने पीछे से उठा के मारेगी, यूरिन स्प्रे करेगी या फिर मेल को वापस अटैक करेगी, तो वो बिल्कुल भी ब्रीड नहीं करेगी। तो अगर ऐसी हरकतें आपकी भी फीमेल गिनी पिग कर रही है तो समझ जाइए कि वो प्रेग्नेंट है, और अगर नहीं कर रही है तो समझ जाइए कि अभी भी उसके साथ उसको छोड़ना है, आप ऐसा छोड़ सकते हैं। तो देखिए, कई बार क्या हुआ है कि जब तक मुझे एकदम ये नहीं लगता कि हाँ डिलीवरी होने वाली है, मैं कई बार मेल को साथ में रखता हूँ। और लास्ट टाइम मेरा जो मेल था फ्लैश नाम से, वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी समझदार था, वो ब्रीड नहीं करता था प्रेग्नेंट फीमेल्स के साथ, क्योंकि उसकी काफ़ी एज भी थी और वो उतना उसको एक्सपीरियंस था, वो स्मेल करके पता लगा लेता था कि ये प्रेग्नेंट है और ये अभी नहीं है। तो पिछली बार लेकिन काफ़ी फीमेल्स भी मेरे पास थी, लगभग 7-8 या 10 फीमेल्स मेरे पास थी, जिससे उसने ब्रीड किया और काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट भी हुआ था, काफ़ी सारे बच्चे भी थे और लास्ट वीडियोस भी काफ़ी अच्छी गई थी। तो अभी क्योंकि एल्बिनो बच्चा है इसलिए इससे ब्रीड नहीं करा सकते, तो अभी क्योंकि इसको भी गैप हो गया था काफ़ी ब्रीडिंग के, और ये इसकी फर्स्ट ब्रीडिंग है गॉगल की, तो इस बार की ब्रीडिंग के बाद जब तक बच्चे होंगे, ये वाला मेल और जो एल्बिनो है वो भी बड़े हो जाएंगे। देखिए, सब पुतला बन के बैठे हैं, हिलो 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 हिलो। तो फिलहाल अभी क्योंकि ब्राउनी को प्रॉब्लम महसूस हो रही है, और अगर ये प्रेगनेंसी कंफर्म है तो लाइट बंद कर देते हैं और वीडियो को करते हैं एंड। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। एक वीक कंप्लीट होने का इंतज़ार करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।